हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए एक बहुत यूनिक एंड स्टाइलिश ड्रेस बनाएंगे। आई होप आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। तो हम यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिए हैं कॉटन का, और जिसमें इसमें हम अस्तर भी लगाएंगे। तो मैंने 1 मीटर यहाँ पे अस्तर भी लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम टॉप की लेंथ लेंगे 8 इंच, उसमें 1+ कर देंगे मार्जिन। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे, और हम जो ड्रेस बनाएंगे वो 3 ईयर से 5 ईयर्स तक वेयर कर सकते हैं। तो ये अपर पार्ट का जो अस्तर है वो मैंने नॉर्मली कट कर दिया है। अब हम स्कर्ट का बेल्ट भी कट करेंगे। यहाँ स्कर्ट के बेल्ट की जो लंबाई हम रखेंगे वो 6 इंच हमें रेडी चाहिए। तो हम उसमें 1+ मार्जिन कर देंगे, और जो हमारा हिप्स साइज़ है वो 24 इंच है। तो 6 इंच हम 4 फार्ट ले लेंगे, और उसमें 1+ हम मार्जिन ऐड कर देंगे। ज़्यादा नहीं करना है, ओनली 1+ करना है। अब इसके बाद में हम यहाँ लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम यहाँ पे 7 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, और साइड से भी कट कर लेंगे। ध्यान रहे मार्जिन हमें यहाँ पे 1 इंच ही लेना है। अब जो अपर पार्ट का जो नॉर्मली हमने पैटर्न कट किया था वो हम मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पे 22 के अकॉर्डिंग 4 पार्ट लेंगे, 5.5 इंच, और उसमें 2+ मार्जिन ऐड कर देंगे। और यहाँ से कुछ नहीं करना है, और यहाँ नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच। और यहाँ साइड से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, और इस लाइन को मिला लेंगे। मिला के इसको कट कर लेंगे। तो ये अपर पार्ट कटिंग हो चुका है। अब इनको मेन फैब्रिक पे रख के हम कटिंग कर लेंगे। अब बेल्ट को रख के कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद में हम इस स्कर्ट को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल लेंथ है इस स्कर्ट की वो 18 इंच है, उसमें हम 6 इंच माइनस कर देंगे, फिर 12 इंच जाएगा, और इस पर 2+ हम मार्जिन ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे 14 इंच का स्कर्ट कटिंग करेंगे। इसको हमने मैंने 4 पार्ट में फोल्ड कर दिया है। अभी यहाँ से 4 इंच आ रहा है, तो ऊपर से हम यहाँ 4 इंच ले लेंगे। यहाँ की लेंथ लेंगे हम 14 इंच मार्जिन सहित। फैब्रिक मैंने 4 पार्ट में फोल्ड कर रखा है। यहाँ पे हम 2 स्कर्ट कट करेंगे। तो हमने यहाँ पे मैंने उसको 4 पार्ट में फोल्ड कर दिया था, तो 4 इंच आ गया था। ऐसे ही हम दूसरा वाला स्कर्ट रेडी करेंगे। पहले हम इसको यहाँ से लेवल में कट कर लेंगे। अब इसको डायरेक्टली फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में। वैसे हम डबल फोल्ड करके फिर ट्रायंगल शेप में फोल्ड नहीं करेंगे, डायरेक्ट ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। अब इसके ऊपर हमने जो पहले जो स्कर्ट कट किया है वो इसके ऊपर रख देंगे। तो स्कर्ट की कटिंग हो गई है।
अब हम इसको अप डाउन में करेंगे। तो ये पहले मैंने जो पहला स्कर्ट कट किया है उसको मैंने इसे खोल लिया है। अब जिस साइड सिलाई लगेगी उस साइड हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जिस साइड सिलाई लगेगी वैसे हम इसको रख लेंगे और यहाँ जितना मार्जिन हम दबाएंगे उतना मैंने इसके ऊपर रख दिया है। यहाँ मैंने मार्जिन 1 इंच रखा है। अब यहाँ से हम 8 इंच लेंगे और यहाँ से इसको मिला लेंगे, गोलाई में लेते हुए मिला लेंगे। यहाँ हम 3 इंच पहले ही इसको डाउन करना छोड़ देंगे, लास्ट तक हमें डाउन नहीं करना है, बस यहाँ 3 इंच छोड़ देंगे इस जगह पे। तो ये अप डाउन में हमारा स्कर्ट हो गया है। ये बेक का है और ये फ्रंट का हो गया। अब हम सिलाई करेंगे तो पहले हम स्कर्ट की कर लेते हैं। बेल्ट का भी मैंने फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग किया है। अब इन दोनों को साथ में लेके हम इसको फोल्ड कर लेंगे बीच से। अब फिर से इसको फोल्ड करेंगे तो इसका सेंटर आएगा, बीच सेंटर, उस पर हम मार्क कर लेंगे दोनों तरफ। अब हम डार्ट लगा लेंगे, जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ उसको फोल्ड करके 1/2 इंच दबाते हुए 3.5 इंच तक हम यहाँ पे डार्ट लगा लेंगे। दूसरे डार्ट भी इस प्रकार हम लगा लेंगे, 3.5 इंच या 4 इंच तक आप डार्ट लगा सकते हैं। तो ये डार्ट लग गई है, ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट पे भी डार्ट लगा लेंगे। हमने जो फ्रंट वाले पे डार्ट लगाई है तो हम यहाँ स्कर्ट ऐड करने से पहले हमने जो बटन लगाए हैं तो वहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ मैंने कॉटन वाला ही फैब्रिक लिया है अस्तर के साथ में और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और जहाँ हमने डार्ट लगाई है उसी के पास में हम सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर मार्जिन हम 1 बूट का ही दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे। तो ये पट्टी लग गई है, इस प्रकार इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम बटन ऐड कर देंगे। अब हम नीचे की तरफ स्कर्ट लगाएंगे तो दोनों तरफ जो स्कर्ट का जो मार्जिन है वो थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, 1/2 इंच, तो 1/2 इंच हम निकालते हुए बाद में उस सिलाई करेंगे। मार्जिन हमने यहाँ पे 1/2 इंच ही दबाया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट है। अब जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकला था वो हम कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट को रेडी करेंगे, सेम वैसे ही डार्ट लगाएंगे जिसे हमने फ्रंट में लगाई है, फोल्ड कर दिया है, फिर से फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे दोनों तरफ। जितनी फ्रंट में हमने डार्ट दबाई है उतनी ही हम बैक में दबाएंगे।
अब इस जो स्कर्ट है वो नीचे की तरफ हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट के का स्कर्ट भी हमने लगा लिया है और ये फ्रंट का हो गया है अप डाउन में। अब एक साइड हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे वन साइड मैंने सिलाई लगा ली है, कमर से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दबाया है लूज ना रहे। अब हम बेल्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ ये वन साइड फिटिंग करने के बाद में हम जितनी साइज आएगी उतना हम यहाँ पे पेस्टिंग कट कर लेंगे। वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव इंच मैंने यहाँ पे बेल्ट की चौड़ाई ली है। वन साइड मैंने इसे कपड़े के साथ में सिल लिया था, दूसरा हम इसके ऊपर रख के इसको सिल लेंगे। बेल्ट हम एक्स्ट्रा में नहीं लगाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब इस प्रकार इसको सीधा करके अंदर की तरफ ले जाएंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। बेल्ट तो हम अलग से भी लगा सकते थे, उतना अच्छा लुक नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब दूसरी साइड भी हम नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड हम यहाँ पे जिप लगाएंगे। यहाँ हम ऊपर जिप लगाएंगे। तो हम मशीन को फिर से नीचे की तरफ ले आएंगे। इस प्रकार दोनों तरफ फोल्ड हो जाएगा। मैंने पैटर्न को सीधा कर लिया है। अब जितना हमें दबाना है उतना हम फोल्ड करके लाइन बना लेंगे, फिर उसके ऊपर हम जिप को रख देंगे। तो यहाँ जिप को मैंने उल्टा रख दिया है। और जो जिप का हुक है वो हम नीचे की तरफ ले आएंगे, बाद में हम इस पे सिलाई कर देंगे। अब हम जिप लगा के देखेंगे तो सही है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम लगा लेंगे। इसमें हम पैटर्न को उल्टा करेंगे, पहले दूसरी साइड लगाएंगे। तब अब इसके पास पास में हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की तरफ जो जिप का हुक है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो हम फोल्ड करके फिर लगाएंगे। तो यहाँ साइड में जिप लग गई है, पैटर्न को सीधा करते हैं एक बार।
तो ये देखिए हमारी जिप बहुत ही अच्छे तरीके से लग गई है, और जो स्कर्ट का लुक है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब नीचे हम बॉटम पे कुछ ऐड तो एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, सिंपली इसको ही हम फोल्ड करेंगे। हाफ इंच चौड़ी पट्टी हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। जो पट्टी हम फोल्ड करेंगे उसको खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से फोल्ड करना है, क्योंकि ये पहले बात तो ये अम्ब्रेला में है, दूसरी बात हमने इसको अप डाउन कर दिया है तो इसमें उरेब आ सकती है। तो स्कर्ट तो हमारा रेडी हो गया है, अब हम अपर पार्ट को रेडी करेंगे। हमने जो शेप दी है वो हम फ्रंट में ही रखेंगे, बैक में हम बिल्कुल सीधा करेंगे इसको। तो मैंने यहाँ दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है और बैक वाले पार्ट को मैंने बिल्कुल सीधा कट कर लिया है। अब स्ट्रिप है जो मैंने पहले ही बना ली थी, और हमने जो चौड़ाई ली है वो 3.5 इंच, उस चौड़ाई पे हम इसको रख देंगे। दोनों तरफ इस स्ट्रिप को रख लेंगे। इस साइड भी स्ट्रिप रख देंगे और बाकी से तिरछा इसको इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ से थोड़ी हम तिरछा ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ी शेप लग गई थी, अब इसको सीधा करेंगे पैटर्न को। तो ये फ्रंट का हो गया है, और हम यहाँ नीचे बॉटम में एक्स्ट्रा अलग से पट्टी लगाएंगे, इसी को फोल्ड नहीं करेंगे। पहले हम डायरेक्ट इसी को फोल्ड कर रहे थे, इतना अच्छा लुक नहीं आएगा, इसलिए के ये जो नीचे बॉटम पे हमें सिलाई लगानी वो हमने कैंसिल कर दी है। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे स्ट्रिप के बिल्कुल सीधा नीचे तक लेके हाफ इंच दबाते हुए और यहाँ पे 4.5 इंच तक लंबी हम डार्ट लगा लेंगे। फिर हाफ इंच दबाएंगे, 4.5 इंच तक लंबी डार्ट लगा देंगे। इस स्ट्रिप के बिल्कुल लेवल में लेना है हमें। अब हमें यहाँ पे स्ट्रिप 3 इंच की लगानी है, तो 3 इंच नाप के हम बैक में लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ फ्रंट में एक पट्टी लगाएंगे जिसे हमने स्कर्ट में लगाई है, तो ये स्ट्रिप के पास में रख के इसको डायरेक्ट हम लगाएंगे। ऊपर से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, पट्टी को ओपन नहीं है पट्टी। अब जो हमने डार्ट लगाई है उसके पास में रख के हम इसकी सिलाई कर लेंगे, जैसे हमने स्कर्ट में की है वैसे ही हम अपर वाले पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे। अब नीचे की तरफ हम एक्स्ट्रा पट्टी लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे। अब बैक वाला पार्ट लेंगे, यहाँ से 3 इंच हमने ले लिया है, अब इसको फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ बीच सेंटर में हम इसको पट्टी को ले लेंगे, अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब इन दोनों को लेवल में लेके कटिंग कर लेंगे। अब इस प्रकार हम इस स्ट्रिप को रखेंगे बैक में,
दोनों को पास पास में रखेंगे, जैसे हमने फ्रंट में लगाया वैसे हम दूर दूर नहीं रखेंगे, बिल्कुल पास पास में रखेंगे। तो ये बैक पार्ट है इसका, हम इसको हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे और जो बीच का जो सेंटर है वहाँ हम इसको मार्क कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है कॉटन का वो हम सीधा पैटर्न रखेंगे। अब इसके पास में हम स्ट्रिप को रख लेंगे। इसको हमने रख लिया, इसके ऊपर हम कॉटन वाले फैब्रिक को रखेंगे और इसमें हमने बीच में मार्किंग कर ली है। मार्किंग के दोनों तरफ रखेंगे, मार्किंग बीच में आएगी और उसके दोनों तरफ स्ट्रिप को रखेंगे। और यहाँ ऊपर से हम हाफ इंच दबाएंगे। अब पैटर्न को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ बैक में डार्ट लगाएंगे। तो यहाँ सेंटर से 3.5 इंच छोड़ के फिर हम इसको पैटर्न को फोल्ड कर लेंगे और डार्ट लगा देंगे। बीच सेंटर से 3.5 इंच का स्पेस है और टोटल दोनों डार्ट में 7 इंच का स्पेस है। जितनी लंबी डार्ट हमने फ्रंट में लगाई उतनी लंबी डार्ट हम बैक में लगा देंगे। अब हम नीचे की तरफ बॉटम को फोल्ड कर लेंगे, अलग से फैब्रिक लेके फिर फोल्ड करेंगे। अब हम फिटिंग करेंगे। वन साइड हम प्रॉपर पूरी फिटिंग कर लेंगे और वन साइड हम जिप लगाएंगे। टू प्लस हमने मार्जिन लिया है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच ही दबाएंगे क्योंकि बच्चों के हाफ इंच हम वैसे लूजिंग छोड़ते हैं, उनको सूटेबल है, ज़्यादा फिटिंग का हम ले नहीं सकते तो हाफ इंच यहाँ मैंने लूजिंग छोड़ दिया। अब दूसरी साइड ऊपर से हम 3 इंच तक सिलाई करेंगे, बाकी नीचे की तरफ हम जिप लगा देंगे। 3 इंच या 2 इंच तक आप जितना लो उतना ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जिप लगा दी, जैसे हमने स्कर्ट में लगाई है वैसे ही मैंने यहाँ साइड में जिप लगा ली है। तो ये हमारा अपर पार्ट है, क्रॉप टॉप वो रेडी है। और इसके साथ मैंने केप भी बनाई है, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। और इसमें मैंने बटन सिंपल ही ऐड किए हैं, फैंसी बटन नहीं लिए हैं। समर के अकॉर्डिंग मैंने टोटल चीज़ इसमें सिंपल ही यूज़ की है। मुझे तो डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप ये कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।